कितना पैसा छापते हो, फेस रिवील कब करोगे, नाम क्या है, एज क्या है, कहाँ से हो, कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो, क्या ये वॉइस तुम्हारी है या किसी एआई कैरेक्टर की है, गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, फेवरेट प्लेयर कौन सा है, फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, विराट और धोनी इन दोनों में से कौन सा प्लेयर पसंद है। एक्सप्लेनर स्वागत करता हूँ सबका इस 2 मिलियन स्पेशल Q&A वीडियो में। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो आज मैंने इस Q&A वीडियो में सभी आपके सवालों का जवाब दिया है कि मैं कौन से ऐप से एडिटिंग करता, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कहाँ से लिखता और महीने में कितना पैसा कमाता, और इनसे सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, अपने YouTube चैनल को कैसे तेजी से ग्रो किया जाता है वो भी बताऊंगा, और मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट वो भी रिवील कर दूंगा कि ये डेली जो आप ये खूबसूरत वॉइस सुनते हो वो असल में मेरी है या किसी AI कैरेक्टर की वॉइस है, ये सब भी बता दूंगा। इसलिए मेरे इस सीक्रेट को जानना है तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, और जो लोग अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हैं वो लोग तो जरूर देखना, क्योंकि सोने पे सुहागा साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप मर गए तो क्या आपके चैनल पर वीडियो आएगी। बचपन में आपको क्या बनना था, डॉक्टर, इंजीनियर या क्रिकेटर। भाई अपने देश में तो हर बच्चे का बचपन में क्रिकेटर बनने का ही सपना होता है, लेकिन टाइम रहते किसी का टैलेंट निखर जाता तो किसी का छुप जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ सो मच नॉलेज इन क्रिकेट, देन व्हाई डिडंट यू बिकम अ क्रिकेटर। भाई कोशिश तो बहुत की थी क्रिकेटर बनने की, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि मैं गांव में रहता था जहां कोई गाइड करने वाला नहीं था और ना कोई क्रिकेट एकेडमी थी। लेकिन आपको तो पता ही है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो आपको एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जो मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। और जब तक पता चला कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए ये करना पड़ता है, तब तक टाइम निकल चुका था। लेकिन अभी भी मुझे गुस्सा आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करूं, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती, खुद को रोक देना ही सही समझा, कोई दूसरे रास्ते पर चलने पे ही भलाई समझा। लेकिन याद रखूंगा इस ख्वाब को, कभी उगते सूरज के सुबह के रोशनी में तो कभी ढलती रात के अंधेरे में निकले चंद्रमा के रोशनी। भाई आपने फर्स्ट बार क्रिकेट कब देखी, तो भाई मुझे एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता, लेकिन सचिन और युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे और मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा था। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। भाई आपके क्रश का नाम क्या करोगे, भाई क्रश का नाम जान के जो कभी अपनी हुई ही नहीं उसका नाम बता के क्या होगा। आप इतनी अच्छी वीडियो कैसे बना पाते हो? तो भाई क्रिकेट ना हमारे दिल में बसता है, क्रिकेट हमारा पहला प्यार है, इसलिए मजा आता है क्रिकेट पर वीडियो बनाने के लिए। और उसके बाद आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है, बस यही वो चीजें हैं जो ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी कब करोगे? एक अच्छी पसंदीदा लड़की मिलने के बाद RCB आज तक ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई? भाई 17 साल हो गए इस सवाल का आंसर ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक मिला नहीं। मैं खुद एक छोटे बच्चे से जवान लड़का बन गया, किसी के बाल झड़ गए तो किसी के बाल पक गए, लेकिन इसका आंसर अभी तक नहीं मिला। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब लोग ये सवाल पूछना ही बंद कर दे, क्योंकि RCB ट्रॉफी जीतेगी भाई, और बहुत जल्द जीतेगी। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा, RCB के नसीब ने RCB का साथ दिया, तो भाई उम्मीद है 2025 में ही जीत जाए। YouTube पे आने का मेन मकसद, डू यू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट? क्रिकेट खेलता हूँ भाई, लेकिन प्रोफेशनल नहीं। तो नेक्स्ट, क्रिकेट शॉर्ट्स के लिए वीडियो कहाँ से लाए? देखो भाई, मैं तो प्लेयर के इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो लेता हूँ, और कभी कभी क्रिकेट क्लिप भी यूज करता हूँ, लेकिन वही क्लिप यूज करता हूँ जिसमें खतरा ना हो, और ज्यादातर पुरानी क्लिप यूज करता हूँ, 5-6 साल पुरानी। पाकिस्तानी टीम को इतना हेट क्यों करते हो? भाई मैं पाकिस्तानी टीम को हेट नहीं करता, क्रिटिसाइज करता हूँ। हेट करने में और क्रिटिसाइज करने में फर्क है। अगर मैं पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानी प्लेयर को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा, गालियां दे रहा, तो उसको आप हेट करना बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी टीम की गलतियां निकाल रहा, उनकी घटिया फील्डिंग को लेकर बात कर रहा, खराब बैटिंग को लेकर बात कर रहा, तो वो क्रिटिसिज्म हुआ, उसको आप हेट नहीं बोल सकते। और एज अ क्रिकेट फैन हम सबको हक है किसी भी टीम को एक हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मैंने अब तक एक ही टीम को क्रिटिसाइज किया, वो पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपने गलतियों से कुछ सीख नहीं रही, बस गधों की तरह डेली वही गलतियां रिपीट कर रही। और इन गलतियों की वजह से आप बांग्लादेश को भी टेस्ट सीरीज हार गए। फैक्ट कंटेंट से क्रिकेट पर शिफ्ट क्यों हुए, और लॉन्ग फॉर्म में डीप एनालिसिस वीडियो बनाने का क्या प्लान है? लगता है भाई आप मुझे बहुत पहले से जानते हो, 1.5-2 साल से मेरे वीडियोस देख रहे हो। फैक्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाना छोड़ा क्योंकि मुझे उतने व्यूज नहीं मिल रहे थे फैक्ट वीडियो पर। हाँ, स्टार्टिंग में फैक्ट वीडियो पर बहुत व्यू मिले, मेरे फैक्ट वीडियो बहुत वायरल भी हुए, लेकिन फिर अचानक मेरा चैनल डाउन हो गया और कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे थे, और उसी समय IPL चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह पर वीडियो बना डाले, और वो वीडियो वायरल चले गए, मिलियंस ऑफ व्यू मिले, और उसके बाद सिराज पर
पर वीडियो बनाई वो भी वायरल चली गई। तो इसके बाद मैंने सोच लिया कि भैया मैं तो अब क्रिकेट पर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे मेरे वीडियो और अच्छे वायरल भी जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद था, मैं खेलता था और देखता भी था और क्रिकेट का पूरा नॉलेज भी था, और इसीलिए क्रिकेट पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो इसीलिए मैंने फैक्ट कॉन्टेंट बनाना बंद कर दिया और क्रिकेट का कॉन्टेंट बनाना शुरू किया। और अब रही बात लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बनाने की, लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा इसी मंथ में। भाई अब यूट्यूबर नहीं होते तो आपने यूट्यूबर बनने से पहले क्या किया? मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। आप यूट्यूब छोड़ के क्या क्या करते हो? भाई कुछ भी नहीं करता, अभी तो बस यूट्यूब पे ही फोकस है। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तो नहीं है भाई, हो जाएगी तो बता दूंगा। स्ट्रगल ऑफ यूट्यूब जर्नी प्लीज एक्सप्लेन। तो भाई वंस अ किंग सेड, स्ट्रगल उसका होता है जिसको खाने के लिए दो वक्त की रोटी ना मिले। फॉर मी देयर इज बीन नो स्ट्रगल एंड नो सैक्रिफाइस, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। स्ट्रगल उसकी होती है जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही दिन की। इसलिए ये मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये मेरी मेहनत है। तो मैंने 2019 में यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन वीडियो वायरल ना होने के कारण मैंने एक ही मंथ में हार मान के यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दिया। फिर 2020 में कोरोना के वजह से पूरी दुनिया बंद पड़ी थी और लॉकडाउन लगा था, तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन में खाली टाइम में क्या किया जाए। तो याद आया अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ही वीडियो बना के डाल दिया जाए। फिर से पूरे जोश के साथ वीडियो बनाना शुरू किया और करीब एक साल के मेहनत के बाद अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया। लेकिन चैनल मोनेटाइज होने की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही और यूज कंटेंट के वजह से यूट्यूब ने मेरा यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मेरा दिल टूट गया। और अब मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से वीडियो बनाऊं, और मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और एक बढ़िया जॉब ढूंढ के जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन एक कंटेंट क्रिएशन का मुझ में ऐसा भूत घुस गया था कि मैं इसको मेरे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। अंदर एक अलग ही आग लगी थी, एक फुन्नस थी कि कुछ भी करके मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है। तो मैं 10 से 5 जॉब करता था और शाम को घर आने के बाद वीडियोस बनाता था। मैंने मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक भी चेंज कर दिया था। फैक्ट वीडियो बनाने का ट्रेंड आया था इंडिया के अंदर, तो मैं भी फैक्ट वीडियो बनाने लगा। इसमें कभी हिस्ट्री पर बनाई तो कभी जियोपॉलिटिक्स पर, और इसी टॉपिक पर वीडियो डाल के मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। लेकिन कुछ ही महीने के बाद मेरे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अचानक से मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई और वीडियो पर अच्छे व्यू नहीं आ रहे थे, तो फिर से मेरा दिल टूट गया। सोच रहा था कि इतनी मेहनत के बाद, अभी तो चैनल मोनेटाइज किया था और अब चैनल ही डाउन हो गया, शायद यूनिवर्स को भी मेरे हाथों से कुछ अलग करना था। उस समय आईपीएल चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही यशस्वी जायसवाल पर वीडियो बना के डाल दी और वही वीडियो वायरल चली गई और मिलियंस में व्यू आ गए। उसके बाद मैंने रिंकू और सिराज पर वीडियो बनाई, वो भी वायरल चली गई। तो मैंने सोच लिया कि अब तो मैं सिर्फ क्रिकेट पर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पहली बात क्रिकेट मुझे बहुत पसंद था, क्रिकेट मेरे डीएनए में दौड़ रहा था, क्रिकेट खेलने के साथ साथ मुझे क्रिकेट पर बात करने के लिए भी मजा आता था, और ऐसे ही क्रिकेट की अच्छी नॉलेज होने की वजह से क्रिकेट का कंटेंट बनाना मेरे लिए बहुत इजी हो गया। इसके बाद मैंने एक के बाद एक लगातार क्रिकेट पर वीडियो बनाई, कभी विराट कभी धोनी कभी रोहित पर मैंने वीडियोस बनाई और वो वीडियोस वायरल भी हो गई। लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा था और आप लोगों के ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स देख मुझे और मजा आता चला गया वीडियोस बनाने के लिए। और देखते ही देखते आपके प्यार और सपोर्ट के बदौलत मैंने 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। तो बस यही थी मेरी 0 to 2 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब जर्नी। बात आते हैं मेरे से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों पर, कि मैं कौन से ऐप से एडिटिंग करता, क्या ये वॉइस मेरी है, मेरा नाम क्या है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, फेस रिवील कब करूंगा, तो यूट्यूब पर ग्रो कैसे करना। तो सबसे पहले YouTube पर ग्रो करने के लिए आपके कंटेंट में दम होना चाहिए और आपको कंसिस्टेंट वीडियो बना के डालने चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, फिर कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। बस यही है मेरा YouTube पर ग्रो करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो इसके बाद एक और बड़ा सवाल था आप लोगों का कि ये वॉइस किसकी है, किसी AI कैरेक्टर की है या किसी वॉइस आर्टिस्ट की। तो मैं आपको बता दूं, ये वॉइस मेरी है, ना किसी AI की है और ना ही किसी वॉइस आर्टिस्ट की है, मेरी खुद की ओरिजिनल वॉइस है। इसके बाद सबको जानना है कि मैं कौन से ऐप से एडिटिंग करता हूं। तो भैया मैं कैपकट से एडिटिंग करता हूँ और मेरा नाम विशाल है और सरनेम सहारे और मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं यूट्यूब से पैसा कितना कमाता हूँ, फेस रिवील कब करूंगा, मेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, मेरी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, इन सभी सवालों का जवाब मैं मेरी फेस रिवील वीडियो में ही दूंगा। तब तक मेरी कमेंट्री को ऐसे ही एंजॉय करना। थैंक यू।